चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मास एम स्लिप्स अलोंग द वॉल ऑफ सेमी स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर, द वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द सरफेस इज। सबसे पहले देखो, जितनी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी इस लेवल पे, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ की काइनेटिक, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी वी मान लेते हैं, मास एम है, ठीक है। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर के बराबर, एम जी आर। तो जितनी यहाँ टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट, ये पॉइंट H मान लो, ये पॉइंट P मान लो, तो H पॉइंट पे टोटल एनर्जी इक्वल होगी P पॉइंट पे टोटल एनर्जी के, ठीक है। तो दोनों एनर्जी को इक्वेट करें, काइनेटिक एनर्जी एट H पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट H पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट P पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P पॉइंट। क्या होगा? एच पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो पी पॉइंट पे यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी आर होगा, या वी इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? टू आर, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।